अस्सलाम वालेकुम सतकन जी पी के न्यूज़ तो मैं अफजाल कियानी अज तुसें तो बड़ी मुनफरिद वीडियो गिनता है जी। असा मौजूद हाँ इस वे बर्मिंगम बर्मिंगम ने बिजनेसमैन मलिक शकील अवान साहब अज दावत रखी हुई तो उन्हें तलक पाकिस्तान पंजाब पुलिस ने लै वैसे तुम सुनिया कि पंजाब पुलिस वाले दावत खिलाने बल्कि खाने लेकिन ये बड़े प्यारे भाई ना अच्छी दावत रखी दोस्तों ने लाद तो हूँ जुलने उन्होंने गलबात भी करने उन्होंने को पता करने कि क्या वजह बनेगी कि तुम दोस्तों ने दावत रखी वैसे पुलिस वाले जो दावत से पता खिलाने नहीं वो खाने होने तो हम तुम्हें मिलाने मलिक शकील अवान साहब का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे तो पहले सारे जितने माड़े भरा तखने वाले न उन्हें बहुत बहुत सलाम दा तुसा ना थैंक यू आखना जरा अपना कीमती टाइम कड़ी गया तुसा साढ़े को लाए हो थैंक यू सो मच तुसा की ते माड़ा इलाका दीने ना तलक दीने नाल है जमपल माड़ी गुजर खान नहीं है तो इस टाइम दीने विच असा रहने पे हाँ भाई जी क्यानी साहब मिकी जिथे तक मी याद है ना माड़ी कोई 12 साल की उम्र सी बड़े मशहूर माड़े भरा न खान अमीर काबल साहब मरूम वो माड़े उस्ताद भी सन तो माड़े बड़े भाई भी सन माड़े फुफोजाद बेटे सन वो माड़े फफेर सन तो उन्हें की यह शौक सी तो अगू वो शौक माड़े दर जरा मुतकिल हो गया तो अदू नहीं करना मैं 12 साल तू इन्ना कुत्तिया ने शौक सी हाले तक इसे चीज जाना सर जी होश ही को नहीं कि कह खोया तो कह पाया जनून इतना कुछ है ना कुत्तिया ना हकीकत तुसें ही बह कि जनून इतना कुछ है इसी समझ नहीं लगनी कि कह खोया तो कह पाया ये पता है कि जिंदगी ना लुत्फ है शौक शिकार सर जी सही तुसें ही बह कदे अंदाजा ही नहीं किया रफली इसलै कुल जरा माड़ा खर्चा होना पैना उतना चौवां कुत्तिया ना ठीक हाँ एक भतरिया उतना एक मुलाजम है फुल फैमिली है नाल बच्चा भी है उसना बीवी भी है 4 कुत्ते मौजूद हैं इसलै डेरे पर डब्बे कह रही है ना पुत्र भी माड़े को मौजूद है इसलै सो इनकलूड 4 कुत्ते डेरे पर मौजूद हैं इन्ह ने मैं रफली दसा ना तुसें साहब का 1.5 लाख रुपया माड़ा जरा ना महीने ना खर्चा हसना पाया जी सर जिसने चू हाँ जिसने चू इसलै नॉर्मल खुराक जी मैं उन्हें देना पाया सुबह ने टाइम मुरब्बा मक्खन ठीक है 2-3 किस्म ना मुरब्बा मैं देना नाल मक्खन देना मैं आखा हूँ मैं बदम देना तो फलान देना टींग देना कख शह नहीं सुबह ने टाइम उन्हें कि दुध होना वै बिच नॉर्मल रोटी होनी है ठीक है तो शामी ने टाइम वो खुराक जी आम सारे शिकारी देने पे ठीक है फिलहाल तो गर्मियाँ गोश्त देने को ना शामी ने टाइम ही उन्हें कि नॉर्मल खुराक देने पे सर जी अगर शौक शिकार ने लिहाज न गल करा ना तो जोड़ा सही शिकारी बंदा है ना अगर अपना चंगा लड़ी के हारी भी जाए ना तो उतनी खुशी हो मनासी अगर चंगा जीती भी जाए ना तो भी उतनी खुशी मनासी क्योंकि उसकी शौक शिकार आखने मैं असल शिकारी उस बंदे की मनना वा जेड़ा किसी ने चंगी चीज़ है तो उसकी आया वाकई चंगी है ठीक है अगर उसने चंगी हुई डाढ़ी होनी तो उसकी बंदा शाबाश दे और मुबारक दे माड़ी माड़ी जड़ी सोच है कि उस बंदे की मुबारक दे थोड़ा चंगा जानवर लड़ी का डाढ़ आया इसकी आने शौक शिकार सर जी सब तो पहले मैं मोटर मकैनिक सा उल्लै शौक शिकार एक लेवल तक सी हद तक सी जूँ जूँ मैं ग्रोथ होया मतलब एज च गया शौक शिकार मजीद बढ़ना गया इस टाइम मैं टैक्सी ड्राइवर हाँ इतने यूके च मैं टैक्सी चलाना इे जरिया आमदन है इस तू अलावा माड़ा कुछ भी नहीं क्या नहीं जी सच्ची तुझे बहुत कई बार तो 20-20 घंटे भी लाने पे जाने यकीन करो जल्द कम असं तकने के हूँ रुड़ी पिया चली पिया फिर सा लालच नहीं खत्म होना फिर असं की होनी कि असं शौक शिकार अपना सीजन आया वो जाइए तकना जल्द सीजन पर असं जाने तो जितने सा लख खर्चा उतना 2-2 लख 3-3 लख असं खर्चा करना पैना बिल्कुल सड़ा सीजन होना ठीक है सर जी मैं तुसें दसना मैं 16-16 घंटे जेडे मी याद हैं कि मैं 16-16 घंटे भी काम किया ये डिपेंड करना जितना काम चली पा ना असं कोशिश होसी ठीक है तुरे काम चलाओ सर जी अल्लाह ना लख लख शुक्र है माँ बाप नहीं भैन भ्रा नहीं दुआया उस्ताद नहीं दुआया कोई ख्वाहिश रही को नहीं मैं थोड़ा जहा मैनशन कर सा अपने पैंथर ग्रुप ना नमरदार दिता साहब साढ़े सदर हैं बिल्कुल साड़ा पैंथर ग्रुप है जी आज़ाद कश्मीर ठीक है पैंथर ग्रुप नमरदार दिता साहब उन्होंने ना कि ना मैं बड़ा जरूरी समझा क्योंकि असा की बिल्कुल साड़ी वो बुनियाद है जिन्हें कि तकी तकी असा भी शौक शिकार अज करने पे ठीक है नमरदार दिता साहब चौधरी नमरदार दिता साहब उस तो बाद अजहर भट्टी साहब ठीक है उस तो बाद भाई शौकत गुजर साहब ठीक है उस तो बाद मलिक मानी साहब दीने आले ठीक है मलिक तजर साहब ये साढ़े माड़े भ्रा न ये ग्रुप ने असा एक हिस्सा वा ये पैनल है साड़ा मजीद और बंदे जिन्होंने मैं ना ना कि नहीं सकया एक छोटा जहा मैसेज यही है कि माड़े जितने
चाह आले शोक शकार आले भरा सुनने पे तकने पे उन्हें यही आखसा कि शोक शकार की शोक नहीं हद तक रखो ना कि उसने अपनी जाती जिंदगी पर अचन दो एक दुए की इज्जत रिस्पैक्ट करो और जानवर जड़े न जिस कुछ ना चंगा जानवर है उसकी आखो चंगा तो बाकी ये पैगाम है जड़ा शोक शिकार करो साफ और सुथरा करो। भाई जी एक बिल्ली रखी हुई है तो सवेरा पात पा शामी दुध उसी बना पैना तो अजकल दुध पता है किलो किस राया तो इस जने तो कुत्ते रखे हुए जड़े तो गोश्त भी तो कीमा भी तो जड़े किलो सवेरा तो किलो शामी एक कुत्ता पीना तो इसलिए 130 रुपया किलो दुध आ ठीक है तो गोश्त इसलिए पहले गल लभना ही नहीं समझो तो जो कुत्ते आले ना वो तो छोड़ने को धरती ने थलिया भी कड़ी आने तो जिते तक खर्चे की गल है जी कि शौक कोई भी उतना दांदा ना करने हो घोड़िया ना करने हो कुत्तिया ना करने हो कौड़ी असें जाकर तैयार करने हो खर्चिया जो आखो तो खर्चे बहुत ज्यादा होने इस गल कोई शक नहीं मैं इस चीज़ा के खिलाफ हाँ मैं ना कुत्ते ना घोड़े छोड़े रखी गए कुत्ते बनाने छोड़ दे मैं इस चीज़ा के खिलाफ हाँ मैं असं भी कुत्ते रखी रखे पढ़ाने रहे हाँ लेकिन असं पढ़ाने छोड़ दे तो यह भी सारा भ्रा आया इसकी भी असं ये आख सकते कुत्ते दारू अट तो दाना दारी आ घोड़े दारा लेकिन हर बंदे ना अपना शौक अपना आप हर बंदे नहीं हूँ कुकड़ भी असं पढ़ाने रहे हैं लेकिन असं ना चाहने कि ऐसी चीज़ ऐसी गेम है कि जिसने मतलब कि आपूसाइड कोई भी गेम है वो डैमेज हो या नुकसान वाली चीज़ वै या गुनाह वै जिसने पर दान दौड़ने उन्होंने और हिसाब आ घोड़े दबाने उन्होंने और हिसाब आ कौडी खेलने लेकिन यह कि असं कुत्ते भी छोड़ते पढ़ाने कुकड़ भी पढ़ाए बड़ा अरसा कुकड़ रखे लेकिन हूँ इन चीज़ों चू बंदा ज्यों ज्यों हूँ भाई यार भी जो थोड़े जे अगे जा सकना तो आपको आख सन जरा वाकई इस गेमा की जरा ना छोड़ना पैसी ठीक है तो असं सारा कुछ छोड़ी हूँ घोड़े तो दान दबा नहीं पे उधर आ गए कौड़ी खेल नहीं पे जाकत कौड़ी वास्ते तैयार करने पे क्लब बनाए पे हाँ असानी दुआ है कि साड़ा भ्रा इधर आ जाए तो बहुत अच्छी गल है मैं ना जी दावत ने रिकॉर्डेड दी बहुत अच्छी दावत दी बहुत अच्छा खाना सा बहुत मज़ा आया बहुत सारे संगी दोस्त कट्ठे हुए से कोई 15-20 एक बंदे से आ तो बहुत मज़ा आया मशवरा तो जरा देने चाहे वो तुम्हें पता है लेकिन हर बंदे का अपना शौक आ तो जिस बंदे ना शौक होया ना अगर उस बंदे की उस पास उठाओ ना तो वह मेरी कोई ना कोई औखा होया कोई गल इस मारे हर बंदे ने अपना शौक अपनी मर्जी अस मतलब कि आखी सकने लेकिन यह कि असं कुसै ना आखना जरूरी है या फोर्स ना करी सकने कि आ लेकिन यह कि असं हूँ अलहमदुल्ला कबड्डी ने क्लब अपने बनाए वे ठीक है घोड़े भी रखे वे कोई 6-7 घोड़े वे मतलब 8 घोड़ियाँ ही तो बस शौक अपना पूरा करने जनाब शुक्रिया ना कोई इसने जवाज ही नहीं बनना जितना अल्लाह जिंदगी दे आखने उन्हें यारी सारिया जौनक होनी भरावान वाली जीडिया ना क्या आने उन्हें सोहबत वाली सारा होना तो दावत जनाब अलहमदुल्ला असं तुम्हें पता है खिता पठवार ने लोग असं माशाला भैन भ्रां की कट्ठे करी तो खुश होने तो रौनक मेले च अलहमदुल्ला बड़ा मज़ा आया अलहमदुल्ला जी यूके च मिगी तकरीबन 21-21 साल हो गए माशाला तो जदू ने आया असं जनाब अपने भाई ख्वाजा आसम साहब असं शुरू तू कट्ठे ही हाँ बचपन ने साथी है साढ़े तो यह दावत ने इतमाम ही साहब जद किया कि छोटे भतीजे की शादी हुई सी मेरे नी अली बेटे नी उस ना तो इस तू अलावा अपना छोटा भाई उस्मान उसी वजह तू तो एक माणा ही सी कट्ठा होने ना तो छोटे भाई सगीर गला जिंदगी दाया जनाब इस सारा कुछ इतमान किया नाल होता है तो अलहमदुल्ला तुसा भ्रां इसकी जनाब 4 चांद लाई छोड़े तो पीके न्यूज़ आए तो माशाल्लाह हमेशा साढ़े दुख सुखी च हर जा शरीक होने न और कोई ऐसा पिंड नहीं होना जिता छोटा अफजाल भाई ना होवै अल्लाह ताला जिंदगी दे ते अल्लाह ताला तुसा की बुरी नज़रों तू बचाए तो माशाल्लाह तुसा सारे भ्रां जनाब अज ऐसी रौनक लाई कि मज़ा आ गया माशाल्लाह यूके तो पाकिस्तानी लाइफ से तख्या कि इतने नहीं लाइफ जी एक डिसिपलिन है ये तुसा भी नोटिस किया उसी इतने नहीं लाइफ एक रूटीन च है समझो सवेरे उठना तुसा एक रूटीन होनी ये करना वो करना अगर पिछे जनाब कोई मातमदारी होगी या कोई किसी किस्म ने शादी ब्याह हो गया उसकी भी तुसा नाल जनाब किन्नी दा चलना पैना तो बड़े इं एक मोहतात तरीके ने चलना पैना डिसिपलिन लाइफ है पाकिस्तान हर चीज़ की टाइमिंग है पाकिस्तान है कि माशाल्लाह तुसा की अलहमदुल्ला बड़िया फैमलियां अगर पिछे भैन भ्रा कम्यूनिटी है अल्लाह मल्ला तुसा जनाब जी ना
मदद हो जानी अगू पिछू आंढ गुआंढ थानी मदद करी छोड़ना तो इतने जिंदगी बहुत बिजी जिंदगी है मगर है कि फिर भी अलहमदुल्ला अस एक दूसरे के टाइम कटने जिसने च मैं आना कि बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है और साड़ी शहादत है कि अस माशाल्लाह एक दूए की कट्ठे होने और एक दूसरे वास्ते अस एफर्ट बनाने ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी कायम रहना चाहिए। मैं ये आखी सकना जी कि यंगस्टर अल्लाह पाक जिंदगी दैन है ये साड़ा सासा न अल्लाह पाक इन्हों की जिंदगी दै सेहत दैन है और इन्हों की एक अच्छे तरीके अपनी जिंदगी जी ना गुजारनी चाहिए है एजुकेशन अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए चाहे इतने बैन चाहे पाकिस्तान बैन तो आने उन्हें नॉलेज इज पावर समझो अपनी तालीम जी ना उसकी जारी रखना चाहिए और यही असानी जनाब ना एक कामयाबी ना राज है कि अगर एजुकेटिड हो सन साढ़े बच्चे तो अगर बद सन समझो तो माशाल्लाह कोशिश करन जी अपने आप की एजुकेटेड करन मेहनत करन और अपने जितने भी उन्हें की अल्लाह ताला सलाहतां दित्तियां उस ना लोहा मनवाण चाहे इत्थे चाहे पाकिस्तान जी। नाज़रीन तुसां गलबात सुनी जी मलक शकील अवान साहब ने उन्होंने भाई सीर अवान साहब ने सीर अवान साहब दसा कि असां कुत्तियां ना शौक है उन्होंने दसा कि कुत्ते भी रखे बड़े चंगे तो उन्होंने कितना खर्चा होना यकीन तुसा कि अज नी वीडियो साड़ी राय सोए साहब ने गुफ्तगू सुनी बाकी तुसा की तक क्या पसंद अगर आई इसकी लाइक तो शेयर कराए तुसा की दसिया उन्हें कि यूके जेडे परदेसी हो किस तरह जिंदगी गुजारने क्योंकि कम काज करे तो मुड़ी कट्ठा होना बेहना गप शप लाना यह लाइफ है यूके की तो सभा दोस्तों ना सभा सारे व्यूअर्स का शुक्रिया ऐसे मजीद वीडियो तक यूट्यूब चैनल की सबसक्राइब भी कर लाइक भी कर वीडियो शेयर भी करे हूँ ज्यादा देवला ने कहा असलामुअलैकुम।